हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आपका यार। देखो दिवाली सेल या तो बोले तो धनतेरस सेल, ये सारी सेल्स स्टार्ट ही होने वाली बस थोड़े दिन में। लेकिन इस वाली सेल में अगर आप मेरा बेस्ट 4K स्मार्ट टीवी खरीदना जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि खासकर आपको एसर की टीवी खरीदनी है और अब एसर लाइनअप में अगर घुसते हो तो वहाँ पे एसर ने कई सारी टीवीज बहुत ही कम प्राइजेस में लॉन्च कर दी है। मतलब सबकी प्राइजेस जो है एक दूसरे से खाली 2-3 हज़ार रुपये का अंतर है। अब बात यह है कौन सी टीवी स्मार्ट टीवी आपके लिए बढ़िया होगी, तो ये पूरे जो लाइनअप है हम इसके बारे में आपको आज हम समझाने वाले हैं, खासकर एसर 4K स्मार्ट टीवी के बारे में। हम पूरी सीरीज को अच्छे से आपको समझाएंगे और एट द एंड आपको 100% कंफर्म हो जाएगा कौन सी बेस्ट टीवी होने वाली है आपके लिए, खासकर 43 इंच से लेकर के 65 इंच के बीच में। हाँ, हम 32 इंच के लिए और 40 इंच की भी बात करेंगे शुरुआत में, क्योंकि वो एसर एडवांस आई सीरीज में वाली सीरीज भी आती है। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को शुरू कीजिए। उससे पहले सभी को पता क्या करना है, चैनल जाकर जल्दी सब्सक्राइब कर लिए, साथ साथ बेल आइकन कॉल कर लिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ तो गाइस चलो यार वीडियो को शुरू किया जाए। आपको मैं बताना चाहूंगा, देखो एसर लाइनअप 4K स्मार्ट टीवी की बात करें तो एसर लाइनअप की बात करें तो उन्होंने 3 टीवी 2023 में लाइनअप में उनकी आती हैं जो सबसे ज्यादा फेमस है और जिनकी सबसे ज्यादा मांग भी है बाजार में, क्योंकि यार वाकई में हर एक सीरीज उनकी एक से बढ़कर एक है, सबकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़िया है। तीन सीरीज में जो सबसे पहली सीरीज उनकी है वो है एसर एडवांस आई सीरीज, जो कि आपको 32 इंच की टीवी से लेकर के आपको 75 इंच तक की टीवी की साइज मिली एसर एडवांस आई सीरीज में। दूसरी सीरीज की बात करें जो हालांकि जल्दी ही लॉन्च हुई लेकिन वो मिड रेंज सीरीज में, उसको मैं बोलना चाहूंगा आपको, वो है एसर एच प्रो सीरीज, जो कि आपको 43 इंच से लेकर के 55 इंच में खाली 3 साइज मिल रही है। और तीसरी है उनकी एसर वी सीरीज, जो कि क्यूलेट टीवी है, वो भी आपको 43 इंच से लेकर के 55 इंच के बीच में मिल रही है। ये तीन सीरीज की टीवियां हैं और इन तीनों में से एक से बढ़कर एक है, सबकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। लेकिन आपके लिए कौन सी बढ़िया है, क्या वाकई में वो वैल्यू फॉर मनी, ये सब कुछ आपको वीडियो बताएंगे। उससे पहले बता देते हैं, जो भी आपको एसर की टीवी लेनी है 32 इंच से लेकर के 75 इंच के बीच में, चाहे एडवांस आई सीरीज लेनी, चाहे एच प्रो सीरीज लेनी, चाहे क्यूलेट टीवी लेनी है उनकी वी सीरीज, सबकी जो लिंक्स होगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, लाइन वाइज लाइन साइज वाइज साइज, वहां से जाकर आपको जो भी टीवी पसंद आती वहां से खरीद सकते हो। और साथ साथ में मैं एक तरीके से रिव्यू भी दूंगा हर एक टीवी के बारे में कि कौन सी टीवी वाकई में अच्छी है कि नहीं, ये भी आपको पूरी वीडियो बताऊंगा। और एक रिक्वेस्ट है, मेरी दी हुई लिंक से ही खरीदेगा, क्योंकि जब मेरी दी हुई लिंक से खरीदते हो हमको कुछ छोटा सा पेनी अमाउंट मिल जाता है जब मेरी तो, और आपको एक सिंगल रुपए भी एक्स्ट्रा देना नहीं होता, क्योंकि बॉस ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। हम किसी भी ब्रांड के दबाव में आकर खाली उनकी ये नहीं कि खाली अच्छाइयां बताएं बुराइयां ना बताएं, हम कभी भी ब्रांड के दबाव में नहीं आते, हम कभी भी स्पॉन्सर्ड वीडियो करते ही नहीं है जिससे मैं आपको सब कुछ सच बता पाऊं। हाँ तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं और प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, वहां जाकर खरीदे कर पढ़ते हैं आगे। हाँ तो गाइस चलो यार शुरू किया जाए। सबसे पहले आपको बता जाएंगे एसर एडवांस आई सीरीज की, सबसे पहले शुरू करते हैं। इसमें देखिए शुरुआत के पहले दो साइज की उठाते हैं, वो है 32 इंच और वो एक दूसरी है 40 इंच। 32 इंच है HD रेडी टीवी और 40 इंच है फुल HD टीवी। बाकी दोनों में जो आपको फीचर्स मिलने लगभग सेम मिलने, बस कलर पिक्चर क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। एक फुल HD पिक्चर क्वालिटी दे रही है और एक आपको HD रेडी दे रही है, जो कि 32 इंच की टीवी है। तो 32 इंच की टीवी है, उसके बारे में पहले बताया तो 11,500 रुपीज में करेंट टाइम में प्राइसिंग चली है। कार्ड्स ऑफ लगा तो मे बी और ज्यादा कम हो सकती है। अब आते हैं पिक्चर क्वालिटी। पिक्चर क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है जिस हिसाब से इसकी प्राइसिंग है, क्योंकि यार इसमें जो आपको डायनेमिक रेंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया जा रहा है। साथ साथ में आप इसमें जो है HD रेडी में आप कोई भी कंटेंट देखते हो, न्यूज़ देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, हर एक मामले में हर एक जगह पे परफेक्ट कलर पिक्चर क्वालिटी आपको मिल रही है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा फीचर्स की भी बात करना चाहोगे तो आपको इसमें देखो 16 GB की स्टोरेज मिल रही है, 1.5 GB रैम मिल रही है, जो कि बहुत जरूरी है आज के समय में यार किसी भी 32 इंच की टीवी में भी। और यही नहीं, अगर आपको स्पीकर्स, आपका हॉल भी अगर बड़ा है 250-300 स्क्वायर फीट का भी हॉल है, तो आपको अलग से स्पीकर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको 30 वॉट के डॉल्बी ऑडियो स्पीकर मिलने वाले हैं, जो कि मेरे ख्याल से गेम चेंजिंग स्पीड है और गेम चेंजिंग टीवी भी है। फ्रेमलेस डिजाइन के साथ ही सब कुछ बढ़िया है, मेरे को बहुत अच्छी लगी। खरीदना चाहते हो इसको भी खरीद सकते हो, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। लेकिन अगर आप फुल HD टीवी लेना चाहते हो, आपका साइज वहाँ पे जैसे आपके हॉल में जहाँ भी लगाना चाहते हो आप, उधर फुल HD टीवी लगानी भाई साहब, तो फुल HD टीवी प्रेजेंट टाइम आपको 17,000 रुपीज़ की मिल जाएगी। इसकी 17,000 रुपीज़ के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा, सारी चीज़ें सेम है लेकिन कलर पिक्चर क्वालिटी की मैं मेन फोकस करूँगा, तो आपको वाकई में अच्छी कलर पिक्चर क्वालिटी इसमें मिल रही है। फुल HD के हिसाब से भी इस वाली टीवी को आप ले सकते हो, मेरी तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं है इस वाली टीवी में। जो 32 इंच में है, बस इसमें फुल HD है, तो कलर पिक्चर क्वालिटी आपको और ज़्यादा इन्हांस मिल जाएगी। अब आते हैं इनकी मेन सीरीज में, वो होती है इनकी 43 इंच से लेकर के 75 इंच में, जो कि आपको 4K स्मार्ट टीवी मिलने वाली है, उसके बारे में बात करिए। तो एसर एडवांस आई सीरीज 43 इंच, 50, 55, 65 और 75, ये आपको कुछ साइजों में मिल जाएगी, इसके बारे में चलिए आपको बताया जाए। हाँ तो यार एसर एडवांस आई सीरीज 43 इंच, प्राइसिंग की बात की है तो देखो सभी साइजों की जो प्राइसिंग आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, प्राइसिंग के हिसाब से पहले 43 इंच की बात की है तो देखो 22-23 हज़ार रुपये की टीवी है, उसमें आपको 43 इंच 4K स्मार्ट टीवी दे रही है सर। और एडवांस आई सीरीज सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने किसी भी चीज़ की पहले तो फीचर्स वाइज कमी नहीं रखी हुई है, मतलब कि आपको 16 GB का स्टोरेज, 2 GB की रैम, आपको USB 3.0, HDMI के 2.1 के पोर्ट भी आपको मिलने वाले, सब कुछ है, 1 मिलियन प्लस कलर का सपोर्ट है, डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस, मतलब हर एक चीज़ इसमें डाली गई है जिस हिसाब से इसकी प्राइसिंग है। अब आते हैं कलर पिक्चर क्वालिटी के मामले में, तो वाकई में इसकी जो कलर पिक्चर क्वालिटी मैं आपको बता दूं,
आप अगर एट प्रेजेंट, मैंने इस टीवी को रखा था और साथ साथ मैंने देखी थी सैमसंग क्रिस्टल आई स्मार्ट, आप सोच सकते हो जो सैमसंग की इस साल का लेटेस्ट मॉडल है, इसकी कलर पिक्चर क्वालिटी और सैमसंग क्रिस्टल आई स्मार्ट की कलर पिक्चर क्वालिटी सेम है। आप चाहे 43 इंच की साइज लो, 50 इंच का साइज लो, 55, 65, इन सब साइजों में, मैंने 75 इंच की टीवी नहीं देखी है तो उसके बारे में आपको बता नहीं सकता, लेकिन 65 इंच तक की साइज के बारे में बताऊं तो मैं आपको सब में मुझे सैमसंग के बराबर कलर पिक्चर क्वालिटी लगी। आप सोच सकते हो किस तरीके से वाकई में एसर ने मैजिकल ट्यूनअप किया है। मैजिकल ट्यूनअप का मतलब मैं बताना चाहूँगा आपको, मतलब देखो यार, कोई भी जो कलर्स होते हैं किसी भी टीवी में, उनको जो है कंपनीज अपने हिसाब से ट्यून अप करती है, उनको रिसर्च करके, जैसे रेड है तो कितना रेड रहना चाहिए, कहीं पे हल्का रेड है कहीं पर, क्योंकि यार एक कलर्स के भी करोड़ों शेड्स होते हैं, तो उतने शेड्स को वाकई में बनाना ये बहुत बड़ी अपने आप में एक इंजीनियरिंग होती है, जो वाकई में एसर ने करके दिखाया है। क्योंकि यार एसर ना बिल्कुल ही टीवी लाइनअप में बिल्कुल बदल ही दिया इन्होंने। मुझे विश्वास नहीं था कि एसर ऐसी टीवी ले आएगा, मैं पहले एसर की टीवी में बताता ही नहीं था एसर की टीवी के बारे में। इस बार वाकई में इनकी एसर एडवांस आई सीरीज, जो इन्होंने सबसे पहली टीवी जो 2023 मॉडल लॉन्च किया था, मैं दंग रह गया था थोड़ी देर में, काफ़ी देर तक देखता रह गया था, ये एसर की टीवी है, इतनी गजब की डायनेमिक रेंज आपको मिल रही है 43 इंच में। देखो सभी साइजों में बता दूं, 43 इंच से लेकर के 65 इंच में सब में सेम कलर पिक्चर क्वालिटी आपको मिलने वाली है, बस खाली आपको फीचर्स बदलते जाएंगे। मैंने कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपको 40 वाट की स्पीकर मिलेगा अगर आप जो है 65 इंच की या 75 इंच की टीवी लेते हो, 36 वाट की स्पीकर आपको मिलने वाले हैं 50 या 55 इंच की टीवी में, भाई 30 वाट के स्पीकर मिलेंगे 43 इंच टीवी में, बस खाली थोड़े थोड़े फीचर्स मिलेंगे, लेकिन कलर पिक्चर क्वालिटी सब में सेम मिलने वाली है, और सारे के सारे आपको VA पैनल की टीवी ही मिलेगी। लेकिन मेन है कलर पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, किसी भी साइज की टीवी लो, मैं 75 इंच की टीवी की बात नहीं करूँगा, लेकिन खासकर आपको 43 इंच लेकर 55 इंच की टीवी लेनी ना, उनकी प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी, जिस हिसाब से इनकी प्राइसिंग और जिस हिसाब से इनकी कलर पिक्चर क्वालिटी है, 100% मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा इस वाली टीवियों को, कोई भी दिक्कत नहीं है। 65 इंच की टीवी मैं इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यार इनकी जो प्राइसिंग है वो इन्होंने इस प्रेजेंट टाइम में इनकी प्राइसिंग इन्होंने कर दी है लगभग 50,000 रुपीज़, और इसकी प्राइसिंग 45 ऑलरेडी चली थी, 50,000 कर दी, एक पहले अगस्त में एक सेल आई थी उसमें उन्होंने इसमें 40,000 रुपीज़ की टीवी बेची 65 इंच की, मेरे ख्याल से थोड़ी सी प्राइसिंग कम करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो ऑल द वे अगर आपको 50,000 रुपीज़ में 65 इंच की टीवी सही लग रही तो वो भी खरीद सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 75 इंच मैंने देखी नहीं है, लेकिन हाँ उसकी भी कलर पिक्चर क्वालिटी सेम ही होगी, क्योंकि यार जब 65 इंच तक सेम है तो वहाँ तक भी सेम ही होगी, वो भी आप खरीद सकते हो, लेकिन हाँ उसकी प्राइसिंग 90,000 तक जा रही है, ऑल दो यार वो 75 इंच की टीवी होती भी तो बहुत बड़ी है। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन चारों साइज 43 इंच, 50, 55, 65, 100% रिकमेंडेशन है एसर एडवांस हाई सीरीज की, बिल्कुल जाकर के ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है इन सभी की सभी साइजों में, गजब की कलर पिक्चर क्वालिटी, गजब की साउंड क्वालिटी, विद डॉल्बी एटमॉस स्पीकर मिलने वाले हैं HDMI 2.1 के साथ, डॉल्बी विजन भी आपको मिलने वाला है, HDR10 का भी सपोर्ट मिलने वाला है, हर एक मामले में अच्छा है। सभी की सभी साइजों की जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाकर के ले सकते हो एसर एडवांस हाई सीरीज। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो अब इनकी सेकंड रेंज की टीवी को पिकअप किया जाए, वो है इनकी एसर एच प्रो सीरीज। एसर एच प्रो सीरीज खासकर ये देखो यार, ये कलर पिक्चर क्वालिटी की मैं बात बताऊंगा, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग टीवी है, इसलिए मेरे लिए कंफ्यूजिंग टीवी है। पहले तो देखो ये 43 इंच से लेकर के 55 इंच के साइज में आती है, तीन साइज में टीवी आती है। प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग में आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली, जैसे कि आप 43 इंच की टीवी लेते हो इसमें तो आपको लगभग 26,000 रुपीज़ की प्रेजेंट टाइम में प्राइसिंग मिलेगी। एसर एडवांस आई सीरीज में अगर आप 43 इंच की लेते हो तो उसकी प्राइसिंग आपको 23,000 मिलेगी, और इनकी जो इससे ऊपर क्यूलेट टीवी है उसकी प्राइसिंग मिलेगी आपको 28,000 रुपीज़। तो हर टीवी आपको 2,000 रुपये में बदल जा रही है यार, मतलब एसर एडवांस आई सीरीज लोगे तो मतलब 3,000 रुपये कम में मिल जाएगी, एसर वी सीरीज लोगे क्यूलेट टीवी अगर एच प्रो की जगह तो वो 2,000 रुपये मिल जाएगी, जो कि क्यूलेट टीवी है। तो इनकी ये टीवी आई क्यों, ये खासकर देखिए स्पीकर्स लवर के लिए टीवी है, अगर आपको अलग से साउंड बार नहीं खरीदना है खासकर उनके लिए है, क्योंकि इनकी जो टैग लाइन है इस वाली टीवी की आप देख सकते हो उसमें, डुअल एम्पलीफायर, डुअल ट्विटर्स एंड डुअल बूफर, डुअल वूफर, डुअल एम्पलीफायर, डुअल ट्विटर्स, मतलब कि 76 वॉट के स्पीकर आपको इसमें मिलने वाले हैं इनबिल्ट, जो कि आपको वाकई में नेक्स्ट लेवल की साउंड देने वाले हैं, जिसमें आपको 30 वॉट का वूफर और 40 वॉट के स्पीकर्स मिलने वाले हैं, जो कि आपका नॉर्मल सी बात है 350 स्क्वायर फीट 400 स्क्वायर फीट का भी हॉल है, बहुत आराम से वहाँ पर इस टीवी को लगा सकते हो, चाहे 43 इंच की टीवी लगानी चाहे 55 इंच की, खाली है तीन ही साइज में आ रही, 65 इंच की साइज में आ नहीं रही है। कलर पिक्चर क्वालिटी की बात की है तो देखो, मैं कलर पिक्चर क्वालिटी टू भी ऑनेस्ट बताऊँ, एसर एडवांस आई सीरीज की बिल्कुल सेम कलर पिक्चर क्वालिटी, इसमें बस खाली थोड़ा सा ट्यूनअप किया गया कलर पिक्चर क्वालिटी, मैं ट्यूनअप मतलब बोला चाहूँगा थोड़ा सा विविडनेस बढ़ा दी गई है, थोड़ा सा पंची कलर्स बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन हाँ आप जब बहुत ज़्यादा खिलवाड़ करोगे टीवी के साथ तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा कि जब दोनों टीवी सामने रखोगे भाई साहब दोनों टीवी की कलर पिक्चर क्वालिटी सेम है, बस खाली स्पीकर्स में, खाली इसमें जो है एक वाकई में, क्योंकि स्पीकर्स लाजवाब स्पीकर है, आप 3,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो तो उसमें आपको स्पीकर्स वाकई में लाजवाब मिल रहे हैं। लेकिन अब आप ये सोचो कि मन में कि मैं 3,000 रुपये एक्स्ट्रा दूँ या फिर मैं 2-3, 4,000 या 5,000 एक्स्ट्रा लगा के एक साउंड बॉक्स लाऊं, तो मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूंगा तो देखो कलर पिक्चर क्वालिटी तो अच्छी है,
तो अगर मुझे कोई बहुत ज़्यादा तीन झाम नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे घर में आपको अगर आपके पेरेंट्स को यूज़ करना हो, कभी कभी आपको भी यूज़ करना है, तो पेरेंट्स यार वो साउंड बार और सब बूफर सिस्टम जल्दी ऑन नहीं करेंगे, तो उनके लिए टीवी जाकर के ले आइए एसर एडवांस आई सीरीज या टीवी जाकर ले आइए, ठीक है। एसर एडवांस आई सीरीज मत लीजिए, हालांकि उसमें भी 30 वॉट की स्पीकर है जो कि सफिशियंट है 43 इंच की साइज में, या 50 इंच की साइज में होगा तब तो 36 वॉट की स्पीकर हो जाएंगे, लेकिन इसमें आपको 76 वॉट की स्पीकर मिलने हैं। मतलब मान लीजिए जैसे कभी विद फैमिली बैठ करके आप वहाँ पे एक मूवीज़ का एंजॉय करना चाहते हो और आप चाहते नहीं हो कि सब ऑफर आपको लेना पड़े, एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना, खाली 2-3 हज़ार रुपये चाहिए, वाकई में टीवी जाकर के पिकअप कर लीजिए किसी भी साइज में। और लेकिन आप चाहते हो कि अगर आपको साउंड सिस्टम लाजवाब चाहिए, नेक्स्ट लेवल चाहिए, सराउंड साउंड सिस्टम चाहिए, तो ये टीवी देखो आपके लिए नहीं है। इस ये सोच के मत ले आइएगा अपने घर में कि यार आपको सराउंड साउंड इफेक्ट आ जाएगा, डॉल्बी एटमॉस का इसमें इफेक्ट आने वाला है आपको। देखिए हाँ स्पीकर है, लेकिन डॉल्बी एटमॉस को उस लेवल का इफेक्ट नहीं आएगा, तो सराउंड साउंड और डॉल्बी एटमॉस का इफेक्ट चाहिए तो ये टीवी उनके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको कलर पिक्चर क्वालिटी बात करूँगा तो वो अच्छी है। मैं अपनी पर्सनली बात करूँगा तो मैं पेरेंट्स के लिए लूँगा तो हाँ ले सकता हूँ एक बार, लेकिन मैं अपनी पर्सनली बात करूँगा तो मैं ये टीवी नहीं लूँगा, क्योंकि मैं अलग से साउंड प्रूफर सिस्टम मुझे खरीदना ही होता है, या मेरे पास है ही, तो मैं 3000 रुपये एक्स्ट्रा नहीं खर्च करूँगा, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। खरीदने जाते हैं, इसकी जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच, सबकी प्राइजेस मेरे स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही होंगी। चलिए बढ़ते हैं इनके आखिरी सीरीज की ओर। हाँ तो गाइस, इनकी आखिरी सीरीज जो कि इनकी सबसे ज़्यादा फैंटास्टिक है, नंबर वन सीरीज बोल सकते हो इस साल की, वो है एसर वी सीरीज, जो कि क्यूलेट टीवी है सभी साइजों से। सबसे पहले बात बताते हैं, ये 32 इंच से लेकर के 55 इंच में चार साइज में टीवी आ रही है, और 43 इंच, 50 इंच और 55 इंच ये सब 4K टीवी हैं, लेकिन जो 32 इंच है वो HD रेडी टीवी है, लेकिन हालांकि वो जो है क्यूलेट टीवी है, क्वांटम डॉट टीवी है। हाँ जी भाई साहब, तो सबसे पहले आपको 32 इंच की टीवी बताएंगे। 32 इंच की टीवी अगर आप प्रेजेंट टाइम में लेते हो तो उसकी जो प्राइसिंग है आपको मिलने वाली है वो लगभग 16,000 रुपीज़ मिलने वाली है। कार्ड समय बुलाओगे तो मे बी आपकी कम हो सकती है, और अभी सेल शुरू होगी तो उसमें प्राइसिंग और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। दीपावली और धनतेरस की सेल शुरू होने वाली है 1-2-3 तारीख से। अब बात आते हैं इस वाली टीवी के बारे में। देखो कलर पिक्चर क्वालिटी 32 इंच में नंबर वन पे सीरीज में है अभी है। मतलब अगर आप 32 इंच की टीवी बाजार में लेने जाओ और आप सोचो आपको सबसे बढ़िया कलर पिक्चर क्वालिटी चाहिए, सबसे बढ़िया साउंड कलर साउंड सिस्टम चाहिए, और यही नहीं आपको सबसे बढ़िया उसमें फंक्शनल सिस्टम चाहिए, जो क्योंकि यार एसर की जितनी भी टीवी सब ले तो सारी की सारी गूगल टीवी है, तो फंक्शनल तो सब में एक्स्ट्रा होने वाले हैं, ऐप्स अनलिमिटेड डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ में इस वाली टीवी की बात करूँ तो आपको इसमें 16 GB का स्टोरेज, 1.5 GB रैम मिलने वाली है, जो कि आपको 30 वॉट के स्पीकर के साथ। अगर आगे बढ़ोगे तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसमें यार आपको सुपर ब्राइटनेस मिलने वाली है, जो कि क्यूलेट टीवी में सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। इसमें आपको किसी भी 32 इंच की टीवी से ज्यादा ब्राइटनेस मिलेगी, ज्यादा अच्छी हाई डायनेमिक रेंज मिलेगा, ज्यादा अच्छी कलर पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। हालांकि है ये रेडी टीवी ही, लेकिन उसके बावजूद 32 इंच की टीवी अपने घर में लेकर के आओगे, कोई भी अदर टीवी आप ले आइए उससे ज्यादा अच्छी कलर, मतलब ये थोड़ी बहुत नहीं 20-30% ज्यादा आपको अच्छी कलर पिक्चर क्वालिटी मिलने वाली। चाहे आप LG का 2023 मॉडल भी उठा लीजिए, उससे इसमें मुझे ज्यादा अच्छी ब्राइटनेस लगी। हालांकि LG भी अच्छा है 2023 मॉडल, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी मुझे इसमें हाई डायनेमिक रेंज लगी। HDR10 आप कंटेंट भी दे सकते हो, फ्रेमलेस डिजाइन है, डॉल्बी ऑडियो मिल रहा है, 30 वॉट की स्पीकर है, और क्या चाहिए भाई साहब, सब कुछ है सर टीवी में। 16,000 की जगह अगर आपकी टीवी आप मेरे ख्याल से अगर आपको 15,000 मिली, 1,000 रुपये और कम हो जाए, कार्ड सालों फलों को मेरे पास कम हो जाए, तो बिल्कुल जाकर सर टीवी की जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आते हैं इनकी मेन सीरीज की, वो है 43 इंच, 50 इंच और 55 इंच। पहले तो इन सभी साइजों की जो प्राइसिंग है मेरी स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, जैसे 28,000 रुपीज़, 36,000 रुपीज़ और 55 इंच की प्राइसिंग है 40,000 रुपीज़। इसके हिसाब से पहले इसको रिव्यू करेंगे। तो देखो पहले तो इनकी जो प्राइसिंग है वो मेन लीड की जो टीवी आजकल चल रही, मेन लीड की मतलब कि Xiaomi टीवी या फिर जो है LG टीवी या Samsung टीवी, इन सब की प्राइसिंग बिल्कुल मैच कर रही है। 43 इंच की साइज भी आप देखोगे तो 28,000 रुपीज़ है 43 इंच की साइज इनकी, और Samsung और LG की जो प्राइसिंग वो भी लगभग 28,000-29,000 रुपीज़ चल रही है। उसके हिसाब से मैं आपको रिव्यू दूंगा, ठीक है। कलर पिक्चर क्वालिटी की बात करिए पहले आपसे, उसके बारे में आपको बताया जाए। तो यार देखो 4K स्मार्ट टीवी का मतलब होता है कि आपको 4K रेजोल्यूशन उसमें मिलने वाला है, और आपको कलर पिक्चर क्वालिटी 4K मिलने वाली है, जो कि बहुत अच्छी होनी चाहिए सबसे पहले बात। तो हाँ भाई साहब, वो वाकई में इस वाली टीवी में आपको पूरी पूरी कमी आपकी खत्म कर देगा, आपको वाकई में बहुत अच्छी कलर पिक्चर क्वालिटी आपको इस वाली टीवी में मिलने वाली है। यहाँ तक कि मैं कहना चाहूँगा आपको जो इस टीवी में ब्राइटनेस मिलने वाली है बॉस, VA पैनल के बावजूद इसमें जो ब्राइटनेस आपको मिलने वाली है वो नेक्स्ट लेवल की ब्राइटनेस है। मतलब मैं हैरान रह गया एक तरफ देख करके, यार इस तरीके की ब्राइटनेस वाकई में, और वो भी क्वांटम डॉट LED टीवी के साथ। इन्होंने जो 4K कंटेंट आपको दे रहे हैं, इसमें आपको अप स्केलिंग भी मिल रही है, बहुत अच्छी मिल रही है गूगल टीवी के हिसाब से। हर एक मामले मेरे को बढ़िया लगा। मतलब कि आपको मैं प्रेजेंट टाइम में बताऊं तो अगर नंबर वन पे टीवी बोलूंगा मैं इस समय तो LG UR7500 बोल सकता हूं, लेकिन उसके बराबर में मैं इस वाले टीवी को बोलना चाहूंगा। अगर आपको बजट रेंज में 43 इंच की टीवी लेनी है, 50 या 55 इंच की टीवी लेनी है, तो आपको अगर गूगल टीवी चाहिए तो 100% आप एसर वी सीरीज की क्यूलर टीवी लेकर के आइए, आपको कोई भी कमी नहीं मिलने वाली। आपको ज़्यादा अच्छी कलर पिक्चर क्वालिटी मिलने वाली है सैमसंग क्रिस्टल आई स्मार्ट से, हाँ जी भाई साहब, और Xiaomi टीवी एक्स प्रो से भी, हाईसेंस की टीवी से भी आपको इसकी कलर पिक्चर क्वालिटी LG के बराबर मिलने वाली है। कहीं ना कहीं 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 पर LG से बेहतर भी मिलेगी, खासकर अगर ब्राइटनेस के मामले में बात करोगे।
फीचर्स की बात करिए तो वो भी कमी नहीं है, जैसे कि आपको 2 GB की रैम, 16 GB का स्टोरेज सभी साइज में मिलेगा, 43 इंच से लेकर 55 इंच में। स्पीकर वॉटेज की बात करोगे 30 वॉट के डॉल्बी एटमॉस स्पीकर मिलेंगे, डॉल्बी विजन भी है, HDR10 भी है, MEMC भी है सब मामले में, और यही नहीं USB 3.0 का सपोर्ट है, मतलब आप पेन ड्राइव भी लगाते हो तो उसमें भी फास्टेस्ट है। फाइनल कंक्लूजन की बात की जाए Acer V सीरीज की, तो मुझे कलर पिक्चर क्वालिटी में मैं बहुत अच्छी लगी, मैं बिल्कुल जाकर पिकअप कर लूँगा, मैं अपने घर में यही वाली टीवी लेकर के आऊँगा अगर मुझे जरूरत है 43 इंच, 15 इंच या 55 इंच किसी भी साइज में, और साथ साथ में स्पीकर क्वालिटी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनल रिव्यू की बात की जाए तो मैं कौन सी टीवी उठाऊंगा, देखिए अगर मेरा बजट कम है, ठीक है, मुझे 43 इंच की टीवी चाहिए अगर अंडर 25,000 रुपीज, या फिर 50 इंच की टीवी चाहिए मुझे अंडर 30,000 रुपीज, या फिर 55 इंच की टीवी चाहिए मुझे अंदर 35,000 रुपीज, तो सभी टीवी यार उसके कम में ही आ रही है, और कलर पिक्चर क्वालिटी मैंने आपको बताई दी कितनी ज़्यादा अच्छी है, तो मैं Acer एडवांस आई सीरीज उठा लूँगा। Acer H Pro सीरीज है वो मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन में हूँ, मैं ले भी सकता हूँ नहीं भी ले सकता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मजबूरी फंस गई तभी लूँगा, नहीं तो मैं नहीं लूँगा सर टीवी को, लेकिन अगर मेरे पास पैसा थोड़ा ज़्यादा है, मान लीजिए मेरे पास 30,000 रुपए तो मैं Acer एडवांस आई सीरीज 43 इंच की टीवी ले रहा है, लेकिन मेरे पास अगर 27-28,000 रुपए है तो मैं 100% वाली टीवी इस बार घर में लेकर के आऊँगा, मैं इंजॉय करूँगा, क्योंकि मुझे गूगल टीवी ज़्यादा चाहिए जरूरी, क्योंकि मुझे ऐप्स ज़्यादा डाउनलोड करने होते हैं, मैं LG भी ले सकता हूँ, और अगर मेरे पास 2 TV लेने तो मैं एक LG ले आऊँगा एक ये ले आऊँगा, लेकिन अगर सिंगल ऑप्शन है मेरे प्रेजेंट टाइम में तो मैं ये वाली टीवी लेकर आऊँगा Acer V सीरीज की टीवी, क्योंकि मेरे को वाकई में हैरान कर दिया इसने, जो कलर पिक्चर क्वालिटी वाली टीवी आपको दे रही है Acer V सीरीज टीवी, कोई अदर टीवी इस बार प्रेजेंट टाइम में नहीं दे पा रही, खासकर बजट रेंज की टीवी में, और जो ब्राइटनेस जो क्लियरिटी जो आपको मिल रही है टीवी में वाकई बहुत अच्छी है। खरीदना चाहते हो अगर इसको Acer V सीरीज को भी, जिसकी जो लिंक हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, और एक रिक्वेस्ट है यार, कोई भी टीवी मैंने जितनी आपको बताई है Acer एडवांस आई सीरीज, Acer H Pro सीरीज या फिर Acer V सीरीज, जितनी भी 3 लाइनअप है सबकी टीवियों को जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी लाइन वाइज लाइन 32 इंच से लेकर के 75 इंच की टीवियों में, और एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरी दी हुई लिंक से खरीदेगी यार, एक रुपये भी आपको सिंगल रुपये भी एक्स्ट्रा देने होते हैं जब मेरी दी हुई लिंक से खरीदते हो, हमको कुछ छोटा सा अमाउंट मिल जाता है यार अमेजॉन या फ्लिपकार्ट की तरफ से, और उससे हम इन टीवियों को खरीद पाते हैं, रिव्यू कर पाते हैं, और आपको एक सच बता पाते हैं उनके बारे में, क्योंकि कभी भी हम स्पॉन्सर वीडियो नहीं बनाते किसी भी ब्रांड की तरफ से, ये नहीं कि खाली किसी ब्रांड की अच्छाइयाँ बताएं उनके दबाव में आकर के और खाली उनकी बुराइयाँ सारी छुपाते, ऐसा कभी भी नहीं करते, क्योंकि हम स्पॉन्सर वीडियो नहीं बताते, हम खाली आपको सच बताते हैं, जिसे प्लीज़ बाय फ्रॉम मिलेंगे जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलने वाली है, और मैं अपनी वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल कर देते हैं, टाटा बाय बाय।